बुमराह की बात तो सब करते हैं, शामी की तारीफ भी सबने की, बट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लंबू ईशांत शर्मा। हैशटैग आकाशवाणी। और ईशांत शर्मा बड़े अंडररेटेड बॉलर हैं। इनफैक्ट एक मैं कहीं पढ़ रहा था, किसी ने लिखा ईशांत अंडररेटेड शर्मा, आई मीन मिडिल नेम अंडररेटेड। बस सुन के अच्छा लगा कि मिडिल नेम भी बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। लेकिन ये खिलाड़ी क्या है? देखिए, अगर आप इनकी सिर्फ विकेट्स के अंदाज में आप इनको नापिए, इनको तौलिए, इनको आंकिए, तो आप पाएंगे कि ये इज वन ऑफ द बेस्ट दैट इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड। नाउ इट मे साउंड स्ट्रेंज, लेकिन काम इन्होंने यही किया है, लगातार ये अच्छा करते रहे हैं। बीच में जरूर ऐसा हुआ था कि बहुत अच्छा नहीं चल रहा था, या कहीं विकेट्स नहीं चटका रहे थे, हम इनको अनफॉर्चुनेट कहते थे, ये बैट को बीट करते थे लेकिन आउट नहीं कर पाते थे, इनका औसत बहुत ऊपर था, मैच इतने सारे खेल गए फिर भी मतलब टीम के लीडर नहीं बन पा रहे थे, पैक के लीडर नहीं थे। तो जब आप उस अंदाज में देख रहे थे, आपको लग रहा था यार ये ठीक नहीं कर रहे यार, क्या ईशांत शर्मा को आप दूसरे की तरफ या कहीं कप्तान देखें, और ईशांत शर्मा के साथ जुड़े क्यों रहते हैं कप्तान? तो पहली बात तो ये कि क्यों जुड़े रहते थे, क्योंकि ईशांत शर्मा आपको डिसिप्लिन प्रोवाइड करते थे, अनुशासन प्रोवाइड करते थे, दिन में 22 23 24 प्रोवाइड करते थे ओवर्स, और वो भी 2.5 से 3 रन प्रति ओवर। तो मतलब इतना डिसिप्लिन मिल जाए तो कप्तान कहता है ठीक है यार, अगर कम भी विकेट मिलेंगे तो काम चला लूंगा, क्योंकि ही इज अ ट्रायर, ही इज गोइंग टू गिव मी 100% दैट ही हैज। तो वो तो ये लगातार करते रहे और मैचेस भी जीता है इन्होंने, घर पे भी बाहर भी अच्छा प्रदर्शन, बहुत अच्छा नहीं लेकिन अच्छा प्रदर्शन। पर अब चीजें बदल गई हैं, अब आया है ईशांत शर्मा 2.0, और ये 2.0 हैज बीन एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। इनफैक्ट अगर आप बुमराह के जो 12 टेस्ट मैचेस की जो हम तारीफ कर रहे हैं, जितने इनके जो कमाल की हम बातें कर रहे हैं, उस समय में उन मैचेस में अगर आप, या बुमराह के इमर्जेंस के बाद से आप अगर ईशांत शर्मा के आंकड़े भी देखेंगे ना, ऑलमोस्ट कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं बुमराह के वो, और जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी। तो फिर कहना पड़ेगा भाई, गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, ही इज नाउ वेल एंड ट्रूली प्रॉपर टेस्ट मैच बोलर, जिसको आप अपनी टीम में रखना चाहेंगे, खिलाना चाहेंगे। अब इनको खास क्या बात बना रही है, क्या इन्होंने बदलाव किया? देखिए, जब ये अनफॉर्चुनेट थे या कहीं अनलकी थे, तो क्या होता था कि बॉलिंग अच्छी करते लेकिन दूर डालते थे, गेंद को बहुत दूर डालते थे, हाथ से गेंद कई बार वॉबल भी करता था। अब इन्होंने वो रिस्ट को एकदम ठीक कर लिया, हाथ से जब गेंद निकलता था एकदम सीम अच्छा जाता है, तो अब हवा में गेंद होता है स्विंग। अब जब हवा में गेंद स्विंग होता है तो आगे डालने की थोड़ी सी आपको प्रेरणा मिलती है, आप प्रेरित हो जाते हैं कि चलो यार आगे डालता हूं, देखूं क्या होगा। अब इन्होंने आगे डालना भी शुरू किया है, ये लेग बिफोर करते हैं, बोल्ड करते हैं और सही ठिकाने पे गेंद डालते हैं, और कहते हैं वो अच्छी बॉलिंग और विकेट टेकिंग बॉलिंग ना दो अलग अलग चीजें होती हैं। अब ये दोनों काम करते हैं, पहले अच्छी बॉलिंग करते थे, विकेट टेकिंग बॉलिंग नहीं थी, क्योंकि अगर आपने वो 3 स्टंप्स के बीच में आगे गेंद नहीं डाली ना, तो लेग बिफोर बोल्ड नहीं मिलते, और बहुत छोटी डालो तो कॉट बिहाइंड नहीं मिलते। तो आपने 3 बड़े डिसमिसल तो आपने अपने जो कहते हैं किटी में से निकाल ही दिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आप सारे डिसमिसल जो है दे आर राइट देयर। और ये एक छोटा सा इन्होंने स्टंट किया काउंटी के साथ, और उसने मुझे लगता है कि काफी बदलाव किया इनकी गेंदबाजी के अंदाज में, और ये होता है, ये जहीर खान के साथ हुआ, ये ईशांत शर्मा के साथ हुआ है। आगे डालने की समझ, हाथ को थोड़ा सा स्टेबल रखना, स्टडी रखना, और विकेट लेने का जो कहते हैं बल्लेबाज को पकाना, वो काम भी इन्होंने कर दिया है शुरू। तो मेरे विचार में वैसे अभी कह सकते हैं, अभी एक और नई डिबेट है वैसे, मे बी एन ओपन माइक फॉर इट, कि क्या जो इंडिया का पेस बॉलिंग अटैक है इज दैट द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और विल यू गो टुवर्ड्स ऑस्ट्रेलिया, हे इज अ गुड स्टार, कमिंस, पैटिनसन, पीटरसन, या फिर आप इंग्लैंड की बात करेंगे, जोफ्रा, वोक, स्टुअर्ट ब्रॉड, जेम्स एंडरसन एज एंड व्हेन ही इज अवेलेबल, किस तरफ आप जा रहे हैं? आई एम गोइंग विद टीम इंडिया, वेल मे बी द ज्यूरी इज स्टिल आउट। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी भी बजाई दीजिए, एकदम सीधी करके बचा दो।